शर्मा 50+ इंडिया फिट ठोकेगा इंडिया के क्या हाल होने वाला है आज के मैच का यार पता नहीं जिसका भी हमारा तो बुरा हाल होने चांसेस तो इंडिया की लग रहे हैं। बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है इस बार भी पाकिस्तान बस अगर हार गया तो भाई साहब आंसू निकाल देना इंडियन फैंस से पाकिस्तानी हो गए। नमस्कार मेरा नाम है नलायक पत्रकार और यहाँ पर हिंदुस्तानी फैंस है मेरे साथ जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया था पिछली बार। पर सर देखा मैंने आपका मैं देख रहा हूँ चैनल पर आप मुझे ये बताइए कि आज आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स इंडिया। तो पर यार पाकिस्तानी फैन से मैं मिल रहा हूँ वो कह रहे हैं उनको हांगकांग को हराने के बाद काफी अपबीट हो गए हैं वो लोग। बच्चे लोग को हराने को अच्छा लगता है इधर तो रियल बच्चे जैसी टीम है यार बच्चे जैसी टीम कह रहा है क्या कॉन्फिडेंस। पर मुझे बताओ आज इंडियन टीम का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लग रहा है सबसे ज्यादा? विराट कोहली का फॉर्म में आना और भुवनेश्वर कुमार का भी फॉर्म में आना वो बहुत अच्छा पॉइंट है। रोहित शर्मा 50+ अच्छा रोहित शर्मा 50 सरप्राइज। तो रोहित शर्मा बाबर आजम दोनों ही नहीं चल रहे पर रोहित शर्मा चल जाएगा। रोहित शर्मा 50+ आप मुझे बाद में मिलो। 100 बनाएगा जो 50 हुआ तो 100 होगा उसका पक्का। इंडिया फिट ठोकेगा पाकिस्तान। तो चलिए यहाँ पर फैंस ना काफी बढ़िया उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार यार हरा दिया था बहुत टाइम से ये 152 कर रहे थे नशा तो उतार दिया इन लोगों का। नहीं नहीं बिल्कुल इंडिया नशा भी उतार दिया आज पूरा उतार देंगे। पर फिर भी मतलब मुझे ये बताइए किसी पाकिस्तान की किसी चीज से डरने की जरूरत है क्या इंडिया को? पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर को जल्दी आउट कर दो। इज द ओनली की फॉर इंडिया इफ दे गेट अर्ली विकेट्स देन मैच। तो बाबर रिजवान को आउट करो और मैच अपने साथ लेकर चलो। लास्ट बहुत सारी मैचों से बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। पर पाकिस्तानी बोलिंग खतरनाक है क्या इंडियन बोलिंग से? हाँ पाकिस्तान बोलिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बट वी आर बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। तो चलिए यहाँ पर फैंस भाई साहब खुशी मना रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान को हरा देगी। कितने चांसेस लग रहे हैं सर बताओ? 100% इंडिया भाई 100% चांस लग रहे हैं भाई यहाँ पर। तो इंडियन फैंस का जो जोश है और जो होश है वो बहुत ही जबरदस्त है। क्या बात है सर सेल्फी लगा ली। ओफो पर आप बताइए आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया ऑफ कोर्स। आपको लगता है इंडिया जीतेगी? ऑफ कोर्स मजे से बहुत आराम से 152 वाला कुमार उतर जाएगा और तो चलिए पूरा बदला लेने वाली है टीम इंडिया मजा आने वाला है। पर यहाँ पर टीम इंडिया के सपोर्टर्स काफी हैं सर इंडियन टीम के सपोर्टर्स इंडिया। और मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान की बोलिंग तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही? स्ट्रांग है फिर भी इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है ना? इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है आप ये बताओ। इंडिया 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 आपने देख ही लिया भाई साहब उत्साह में मुझे भी भगा दिया। एक ही तो चीज नहीं करता था मैं रनिंग वो भी करवा दी इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फैंस हैं आप देख रहे हो मतलब भैया पहला मैच जीतकर टीम इंडिया के फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। और ये जो सुपर फोर का मैच है मुझे लग रहा है इस बार भी पाकिस्तान बस अगर हार गया तो भाई साहब आंसू निकाल देना इंडियन फैंस से पाकिस्तानी हो गए। पर चलिए और लोगों से बात करते हैं इंडियन पाकिस्तानी फैंस से भी बात करेंगे। पाकिस्तानी फैंस आ रहे हैं इधर से पकड़ लेता हूँ उनको मैं। सर अरे सर आप खत्म हो गया क्या? वो मैच तो अभी शुरू होने वाला है पर मुझे ये बताइए कि क्या हाल होने वाला है आज के मैच का? यार पता नहीं जिसका भी हमारा तो बुरा हाल होने वाला है मुझे इतना पता है मैच के बाद। नहीं यार उम्मीद तो है कि पाकिस्तान जीते पिछला। आप कहाँ से? मैं तो इंडिया से हूँ। पिछला जीत गए यार ये हमारा बनता है ना ताकि फिर अगले एक और हम खेलें। अच्छा मतलब वो रहा कि बैलेंस बना लेते हैं। बैलेंस बने यार थोड़ा। पर आपको लग रहा है कि आज का मैच में किसके चांसेस ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं? यार हमारा धानी भी बाहर हो गया अब इंडिया भी फॉर्म में वापस आ गई है तो चांसेस तो इंडिया के लग रहे हैं। अच्छा लेकिन उम्मीद पाकिस्तान के साथ है। उम्मीद पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की क्या चीज इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग लगती है? बॉलिंग 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 अटॉक पाकिस्तान का ज्यादा। लेकिन अब हमारे पास शाहीन अफरीदी भी नहीं है धानी भी नहीं है तो आज देखें फिर क्या होता है यार। तो चलिए ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनकी टीम इस बार और तगड़ी फाइट देगी। पिछली बार भी अच्छी फाइट दी थी पर टीम इंडिया जीत गई थी। ये वीडियो यहीं ख़त्म करना है क्या या और लोगों से बात करें? कैमरा पर्सन साहब कह रहे हैं भाई साहब पसीने पसीने हो गए हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर भी लोगों के अंदर भी और सारे वीडियोज़ बनाएंगे लेकर आते हैं। अभी के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लो।
थैंक यू।